السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما अल्लाह के फजल तोफ़ी से आज हम इंशाल्लाह अकीदा मनहज का दर्स लेंगे जिसमें हमने साब कदरस में सवाल नंबर सतावन यानी फिफ्टी सेवन उसको हमने लिया था कि मौत और उसके बाद फितिन कब्र की क्या दलील है उसमें हमने सबसे पहले फितिन कब्र के हवाले से बयान किया था कि फितने कब्र का माना क्या है उसी क्या मुराद है कि उस मरात कब्र में होने वाला इम्तिहान और कब्र का दफन होने वाले को दबाना और तीसरी चीज़ कि अगर वो बद है काफ़िर है मुनाफिक फाजर व है तो उसका आदाब होना तो ये है कब्र यानी कब्र के अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हैं कब्र के अंदर इम्तिहान होना भी और कब्र का दबाना भी और कब्र का जो है कब्र में फासकों फ़ाजरों और काफ़रों का आदाब होना भी और इस बारे में हमने दलीलें ज़िक्र की थी सबसे पहले तो मौत के हवाले से अल्लाह ताला का फरमान कुल नफसम मौत और मौत के बारे में तफसीलन हमने बयान किया था तो बार बरा इबिनम के उसदीस के पेश नज़र जो आप सल्सम ने बयान की है कि आदमी जब दुनिया से फौत होता है जाता है तो उसका दुनिया से जाते हुए अगर मोमन है तो क्या हकिस हाल में जाता है अगर मुनाफिक काफिर है तो उसकी मौत कैसे आती है और मरने के बाद उसकी रूह के साथ क्या मामल पेश आते हैं और कबर में दफन होने के बाद उसका ममून है तो क्या होता है और काफ़र फाजर फाश या मुनाफ़ है तो उसके लिए क्या मामला पेश आता है इसका हमने तफसी से ज़िक्र किया था और उसके बाद फिर हमने फितने क़ब्र के हवाले से ज़िक्र किया था किबर की नीमतें और क़बर का आज़ाब बरहक़ है और अहल हक़ का इस पर ईमान व यकीन है और इस पर दलीलें जो हैं कुरानी करीम में से भी हैं और अदीफ़ भी इनके एक हैं जो क़बर के आदाब के बाज़े बारे में वाज हैं और इसके अलावा इनके देखने में भी और मुशाहदा के तौर पर भी ये चीज़ देखी गई है और इस तरह के वाक़ नज़र आए हैं कि जिसमें क़बर में दफन होने वाले के नमतों का या आदाब का पहलू नज़र आता है और हमने ज़िक्र किया था इस हवाले से कि कब्र का आदाब जो है या कबर की नीमतें इसके कुछ लोगों ने इनकार किया है और इनकार की वजह जो है वो अपनी अकल प्रस्ती है कि अपनी अकल से काम लेते हुए क्योंकि कब्र में जिन नीमतों का या जिस आदाब का जिक्र आता है वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती तो इसलिए वो कब्र की इन चीज़ों के बारे में इनकार करते हैं और हकीकत में कब्र की नमतों का या इन चीज़ों का या आदाब का इनकार कुरान और सुन्नत का इनकार है और कुरान और सुन्नत की दो टोक दलीलों का इनकार है और जो इंसान को कुफर तक पहुंचा देता है तो ये था हमारा का सवाल का दर्स का कि मौत और उसके बाद फितने कब्र की दलील उसके बाद आज हमारा सवाल नंबर अठावन है कि जिसमें कब्रों से उठाए जाने की क्या दरीर है और उसके इनकार करने वाले का क्या हुक्म है कब्रों से उठाया जाना जिसको व नशूर का नाम दिया जाता है कि बास यानी मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाना जहाँ तक मरने का ताल्लुक है मौत की हकीकत इसका तो कोई इनकार नहीं करता और ना कर सकता है क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो हर इंसान के सामने उसकी आँखों के आँखों से नजर आने वाली चीज़ है लोग मरते हैं और दुनिया से जाते हैं और कब्र में दफल होने के हवाले से भी कब्र के नेमतों का या आदाब का इनकार करने वाले लोग हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का इनकार किया गया है या सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में लोग गुमराह हुए हैं वो कब्रों से उठने का आकैदा अलबा शूबह मौत मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना हाँ ये वो चीज़ है कि जिसका हर ज़माने में ही काफिल वमशरक गुमराह लोग इसका या तो इनकार करते रहे हैं या फिर उनके यहाँ गलत किस्म के तस्वूर पाए गए हैं कुछ लोगों ने तो वैसे ही सिरे से इनकार ही कर दिया कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने का कोई तसवूर ही नहीं है अक्सम उबल्हि जहद इमान लमयमूत अ तमतः है सूरत नखल में कि कसमें खाते हैं अपनी पुरज़ो कसमें कि जो मर जाता है वो दोबारा ज़िंदा नहीं होता यानि ना कि सिर्फ़ इनकार करते बल्कि ज़ोर व शोर से और पूरी अपनी कोत ताकत से सा कसमें खा के इस बात का इस बात को सबित करने की कोशिश करते कि मरने के बाद कैसे ज़िंदा होंगे और बल्कि इसकी बायदा मिसालें भी देते सुर यासिन के आखिर में अल्ल ने ऐसे ही ालमोब का काफ़रों का जिक्र किया है मज़ोरबल खलका कले मई यूल रमीम कि हमारे हमें ये मिसालें देता है और ख़ुद अपने पैदा होने को भूल गया है और कहता है कहते हैं मैं युलेज़ामीम कि इन बोसीदा हड्डियों को कौन ज़िंदा करेगा अल्लाह माता है कुलदी खला कहा अवलामर्रा कह दीजिए कि इनको वही ज़िंदा करेगा जिसने इनको पहली मरतबा पैदा किया था और इस जमन में वाक़ आता है मक्का के एक बदमाश का आसफ़ नमायल जिसका नाम था कि वो एक बोसीदा गली सड़ी हड्डी उठा के लाता है और रसूल करीम सल व्म के सामने लाकर उसको बखेरता है और कहते हैं कि ए क्या तुम ये दावा करते हो कि अल्लाह इन हड्डियों को दोबारा ज़िंदा करेगा तो आप सला जिस तरह के उसका सवाल था उसी तरह को उसका जवाब दिया कि हाँ अल्लाह तुझको मारेगा और मार कर तुझको ज़िंदा करेगा और फिर तुमको जन में डालेगा <kuh> तो इस तरह से कुरानी करीम में कई एक जगहों पर अल्लाह ने ज़िक्र किया है काफ्रों के इस अक़ीदे का इस गुमराही का कि किस तरह से वो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने के इस चीज़ का इनकार करते और बल्कि साफ़ कहते कि जब हम हड्डियाँ और मट्टी बन चुके होंगे तो क्या हम दोबारा ज़िंदा होंगे तो इस चीज़ का जिस तरह से उन्होंने इनकार किया था अल्लाह ताला ने उसी तरीक़े से और उसी तरह पुरज़ोर अंदाज़ से उनका रद्द भी किया और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने की दलीलें भी बयान की और ये दलीलें एक नहीं बल्कि कई तरह की हैं सबसे पहले हम जो लिखा हुआ है सवाल का जवाब उसको पढ़ते हैं उसके बाद हम मज़ीद उन दलीलों की तरफ़ आते हैं तो जवाब में लिखा गया है कि कुरान और सुन्नत में इसकी कई दलीलें हैं जैसा कि फरमान है वह अन्य बसूम अनफिल्कबूर अल्लाह तला ज़िंदा करेगा उठाएगा कबूर जो कब्रों में दफन हुए हैं अल्लाह उनको निकालेगा जिंदा करेगा और हमने कब्र का मफहम भी जिक्र किया था का दर्स में कि कब्र का मफहम भी हम सिर्फ उस ज़ाहरी कब्र को ना लें जिसमें खोद कर आदमी को डाला जाता है बल्कि कब्र का मफहम इससे कहीं ज़्यादा वसी है और वो ये है कि मरने के बाद इंसान की जो कैफियत है वो हकीकत में कब्र की है चाहे वो किसी दिंदे के पेट में हो किसी कब्र में दफ़न हो या किसी वो कोई भी उसकी कैफियत क्यों न हो तो अल्लाह समाता है कि अल्लाह ताला दोबारा उठाएगा जो क़बरों में हैं और इसी तरह जो शख़्स दोबारा दुण ज़िंदा किए जाने का इनकार करता है उसके बारे में हुक्म दिया गया है कि वो काफ़िर है क्योंकि उसने अल्लाह ताला के उसके रसूल असरत उसके रसूलों किताबों को जुटलाया है अल्लाह को जुटलाया है जो अल्लाह तार बार पूरी ताक़द के साथ और तरह तरह की मिसालें दे देकर बयान करता है कि अल्लाह ताली ज़िंदा करता है और अल्लाह के नबी और रसूलों ने इस चीज़ को जो यानी हर तरीके से लोगों को समझाने बताने की कोशिश की और अल्लाह की किताबें इसकी दलीलों से भरी पड़ी हैं तो उनको जुटलाने वाला है तो कोई शक नहीं कि ऐसा आदमी खुला काफिर है जो आदमी इस बात का इनकार करता है कि दोबारा ज़िंदा हो नहीं होंगे मुबारादा होने का इनकार करता है या कि इसमें शक भी करता है अगर तो ऐसे लोगों के कुफर में कोई शक नहीं इसी लदीनः क़फ़फ़ारु आदा कन्ना तो रुनाजून अल्लाह ने ऐसे लोगों के कुफ़र का फतवा देते हुए फ़रमाया पहले उनके कुफर का फ़तवा दिया और फिर उनकी बात का ज़िक्र किया क्या हम जब मट्टी बन चुके होंगे और हमारे बाप दादा भी तो क्या हम उसके बाद अंगूठाए जाएँगे तो जहाँ तक इसकी दलीलों का ताल्लुक़ है कि मरने के बाद वारा ज़िंदा होने की दलीलें क्या है और ये वो चीज़ें हैं कि जो आज के इस इलाहा़ के बेदीनी के दौर में हमको इन चीज़ों को अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है तो मरने के बाद वारा जिंदा होने की दलीलें क़ुरान से भी हैं सुन्नत से भी हैं और अक्ल से भी हैं और क़ुरान की दलीलें भी एक तरह की नहीं बल्कि तरह तरह की हैं उन तरह तरह की दलीलों में सबसे पहली दलील तो ये है कि अल्लाह ताला की क़ुदरत का बयान कि अल्लाह ताला जो हर चीज़ को पैदा करने बनाने हर चीज़ जो भी कुछ चाहता है करने पर कादिर है वो मर्दों को भी दोबारा ज़िंदा करने पर कादिर है और इसीलिए ताला सूरह तारक में क्या फरमाता है और इन्ना अला रज एदर हुआ आला रज लक़ादिर कि बेशक अल्लाह ताला इस जान को दोबारा या इस इंसान को दोबारा जिंदा करने लौटाने पर कादिर है ला कादिर लाम ताक़ीद के लिए यकीनी तौर पर वो कादिर है हर तरह से पूरी कुदरत रखता है और इसी तरह उन दरीलों में से ये भी कि अल्लाह ताला तल कोई भी काम फ़ालतू और बिला वजा फजूल में नहीं है अल्लाह तयन इतनी बड़ी क्या ऐसे ही बसा दी है इसके पीछे को मकसद नहीं है इस कायनात में इंसान इंसान को पैदा करके बसा दिया क्या बग़ैर किसी मकसद ही के अफा हसीब तुम अन्ना मलक नाकुमाबैसा वन्ना को मीन अला तुरजाउन क्या तुम समझते हो कि हमने तुमको फ़ालतू और फजूल पैदा कर दिया बिला मकसद पैदा कर दिया और तुम्हें हमारी तरफ लौट के नहीं आना फ़तमरिक्हक अल्लाह आप से इस अबद को इस फ़ालतू और फजूल चीज़ से रफ़ी करते फरमात अल्लाह ताला बहुत बुलंद उबाल आता रहे किल्ल हाँ, ऐसा कोई फजूल काम हो अगर हम इंसान ऐसा कोई फ़ालतू फजूल काम नहीं करते अगर करता भी है कोई तो उसको बेवकूफ़ करार देते हैं तो जय के जहानों के खाल को मालिक के बारे में इस तरह की बात तस्वुर की जाए कि अल्लाह ताला कि हाँ कोई काम बिला मकसद होता होगा और कुरान करीम अल्लाह ने इस चीज़ का कई जगहों पर ज़िक्र किया है और इसी तरह मरने के बाद दोबारा उठने की जो दलीलें हैं उसमें इंसान का पहली मरतबा पैदा होना इंसान की जो पहली पैदाइश है जबकि आदम था जबकि इसका नाम व नहीं था अल्लाह ने कुरान करीम में कई जगहों पर इंसान के इस पैदा होने को जो पहली बार पैदा होना है इसको भी दलील के तौर पर पेश किया है कि जो रब तुमको पहली मरतबा पैदा करने पर क़ादर है वो तुम्हें दोबारा भी पैदा करने पर पूरी कुदरतें रखता है और इसीलिए माया के तुम्हारा दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह को पहली तरफ पहली बार कि दोबारा दोबारा ज़िंदा करना जो है पहली मरतबा ज़िंदा करने से कोई मुश्किल नहीं है जिस अल्लाह ने तुमको पहली मरतबा पैदा कर दिया है वो तुम्हारे दोबारा भी पैदा करने पर पूरी तरह उदरत रखता है और इसी तरह मरने के बाद दोबारा ना होने की कुरान की दलीलों में से अल्लाह ने जो मखलूक़ात का ज़िक्र किया और मखलूक़ात में सबसे बड़ी जो मखलूक इंसान को नज़र आने वाली है अपनी आँखों से वो आसमान वज़मीन है तो अल्लाह ने इसका बयान फ़ुमाया कि जिस अल्लाह ने इन चीज़ों को पैदा कर दिया है वो इंसान को और तुम को पैदा करने पर दोबारा क़दर है तो इन चुनाची उसी बारे में माता अल्लाह तै वल कसम क्या इन देखा नहीं इन लोगों ने कि बेशक अल्लाह ताला की वो वजात जिसने पैदा किया आसमान वमीन को वलाम खल कन्ना और उनको पैदा करने में अल्लाह त कोई थकावट को आजजी को, को, को मुश्किल नहीं पेश आई वो क्या है बेकादरीन आलामता वो पूरी तरह कुदरते रखता है कि तुमको भी वह या मर्दों को भी ज़िंदा कर दे और दूसरी आदमी अल्लाह ताली का फरमान ल खलकुस्मावती वअर्दी अकबर उमिन खलक़ नाशीन आसमान वजमी की पैदाइश जो है वो इंसान की पैदाइश से कहीं बढ़ कर है कहीं ज़्यादा बड़ी है अल्लाह के हाँ कोई चीज़ मुश्किल नहीं है लेकिन कोई चीज़ छोटी है को बड़ी है अल्लाह ने आसमान और ज़मीन की पैदाश का उसकी मिसाल दी और आसमान और ज़मीन के पैदाश की मिसाल हमको दी तो क्योंकि हमको ये नज़र आते हैं लेकिन अल्लाह के अल्लाह की इन मखलूक़ात के अंदर कोई ऐसी भी मखलूक होंगी कि जो इससे भी कहीं बढ़ कर होंगी सूरज चाँद सितारे जो हमको नज़र आते हैं आज की साइंस अपनी तहकीकत तक जहाँ तक पहुँची है कि कायन में ही हमको जो फलकियात नजर आते हैं या चार सितारे वगैरह सूरज वगैरह इससे कहीं बढ़कर और इससे कहीं बड़ी मख़लूकात अल्लाह ताला की मौजूद हैं कि जो इससे ये नहीं कि कई गुना बल्कि इनसे मिलियनों गुना ज़्यादा बड़ी हैं यानी सिर्फ़ ये नहीं कि दस बीस को सौ हज़ार लाख बल्कि मिलियनों बिलियनों बड़ा गुना जो है वो इन ज़्यादा बड़ी मखलूक़ इस कायन में मौजूद हैं और एक नहीं वो भी बिलियनों की तादाद में हैं यानी इतनी बड़ी मखलूक और उनकी तादाद भी किस कदर और इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ते हुए सुनते हुए या जानते हुए हमें जिस चीज़ को ज़रूरत है समझने की या जिस पर गौर करने की ज़रूरत है वो ये है कि ये कायनात का इतनी बड़ी कायनात का रब कौन है कैसा है क्या उसकी अदमतें हैं क्या उसकी शान व मंजिलत है और फिर उस इंसान की हमाकत का और बेवकूफ़ी का भी अंदाज़ा होता है कि जो इतने बड़े खाल के कायनात को छोड़कर अपने जैसे इंसानों के सामने गिरता है या बल्कि अपने जैसे इंसान तो इंसान बल्कि बाद अवत हैवानों जानवरों और बल्कि बाद अवत बेजान पत्थरों दरख्तों के सामने जाकर टकरे मारता है हाँ इसे, पत, इसे पता चलता है कि उलाए का कलअमी बलहम अवल अल्लाह ने जो फरमाया है कि ये मुशरक़ जो हैं ये चुपाए हैं जानवर हैं बल्कि उनसे बदतर हैं ये बदतर क्यों हैं इस तरह से हैं कि किब को पहचाना ही नहीं कौन है वो तो खैर बात कर रहे थे अल्लाह ताला की अदमतों का कि जो इतनी बड़ी कायनात को मखलूक को बनाने पर क़ादर है वो छः फुट के इंसान को क्या दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकेगा फिर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने की दलीलों में से ये भी कि अल्लाह ताला ने मर्दों को ज़िंदा किया है और मुख्तलिफ ज़मानों में अल्लाह ताला लोगों को ये चीज़ दिखाता चला आया है सोर बकरा में ही हम पाँच छः जगहों पर पढ़ते हैं तकरीबन चार पाँच जगहों पर कि जहाँ पर अल्लाह ने मर्दों को ज़िंदा करने की मिसालें दी हैं बायदा बनी सैल के गाय के वाक़ बनी सैल के वो लोग जिन्होंने अल्लाह को देखने का मुतालबा किया था अल्लाह ने उनको हलाक करने के बाद फिर दोबारा जिंदा किया बनी के वो लोग जो ताउन बीमारी की उससे डर के भागे थे अल्लाह ने उनको मौत मरने के बाद दोबारा जिंदा किया उनिंदों का वाक़ जो इब्राहीम ने बा किए और उनको अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया उस शहर का मामला कि वो जहाँ से एक अल्लाह का बंदा गुजरता है और कहता है कि वो कैसे ये दोबारा जिंदा होगा अल्लाह तक उसको, उसको भी उसके गदे को भी इन्हें मारा और फिर उनको ज़िंदा किया तो कहने का मकसद अल्लाह ने कुरानी करीब में जगह जगह पर हम सिर्फ और बकरा ही की मिसालें दे रहे थे और भी कई जगहों पर अल्लाह ने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया लोगों को और बल्कि अपने बाद बंदों को ये मौजात भी दिए मौजाद नबियों को मिलते हैं आम लोगों को नहीं मिलते तो उन में से ईसीम को अल्लाह ने जो मुजदा दिया था कि अल्लाह के हुक्म से हम को ज़िंदा करते तो कहने का मकसद कि अल्लाह ने ये सारी मिसालें क्यों पेश की हैं अगरचे अल्लाह निज़ाम ये है कि जो मर जाता है दोबारा ज़िंदा नहीं होता लेकिन अल्लाह ताला बाद बात लोगों को दिखाने के लिए यकीन दिलाने के लिए ज़िंदा करके लोगों को दिखाता है कि देखो मैं किस तरह ज़िंदा कर सकता हूँ और इसी तरह कुरान में जगह जगह जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा कसरत से जिक्र आया है वो दलील किस बात की कौन सी दलील है दोबारा जिंदा होने की वो बंजर ज़मीनों का लहलहााते खेतों में तब्दील हो जाना लहलाहाते खेतों में बंजर ज़मीनों का तब्दील हो जाना तो कुरानी क्रीम में दसियों जगहों पर अल्लाह ने इस चीज़ का जिक्र किया है वाहु अम्बता कुमर अरदीनबाता अल्लाह ने तुमको ज़मीन से उगाया है उगाने का नाम देकर ही इंसान को तंबी की है कि जिस तरह अल्लाह पौधों को उगा सकता है इस तरह तुमको भी मरने के बाद दोबारा उगा सकता है और इसी मैं आगे से मयुदम फ़ीहा व युरीजुम अखराजा फिर तुमको इस ज़मीन से उगाने के बाद फिर फिर तुमको ज़मीन में लौटाएगा और फिर से तुमको इससे निकालेगा मिन खालनाकुम व फ़ीहा नोद व मिनह नजुम उखरा तो कुरान करीम में लाने जगह जगह ज़मीन को बंजर ज़मीनों को बियाबान ज़मीनों को जो है लहलहाते खेतों में तब्दील करने की मिसालें पेश करके दलील बया, बयान की है कि जो अल्लाह इन बंजर ज़मीनों को लहलहाते खेतों में तब्दील कर सकता है वो तुम्हारी बोसीदा हड्डियों और तुम जो रेज़ा रेज़ा होकर मट्टी बन चुके होते हो तुमको भी दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और फिर ये भी कि अल्लाह तुम मौत व हयात के सिलसिला रखा है ये दुनिया क्यों बसाई है हाँ उसका मकसद इम्तिहान है उसका मकसद इम्तिहान है अगर इम्तिहान के बाद उसका नतीजा ना हो तो फिर उस इम्तिहान का फ़ायदा क्या आदमी इम्तिहान देता रहे लेकिन कभी उसका रिजल्ट निकले ही ना हाँ दुनिया में तो ऐसे काम हो जाते हैं कि बहुत से हालात में आदमी लोग इम्तिहान देने को देते हैं लेकिन उसका रिज़ल्ट आता ही नहीं कभी लेकिन अल्लाह के यहाँ खाल के कायन के यहाँ ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला इम्तिहान के मकसद से कोई चीज़ बना दे पैदा कर दे और उसका इम्तिहान भी ले ले और फिर उसका कोई नतीजा ना निकाले और फिर उस इम्तिहान में और भी दलील वो किस चीज़ की है कि जब क़्यामत नहीं होगी और मरने के बाद दोबारा उठने का कोई सिलसिला नहीं है इसका मतलब कि कोई अदालत भी नहीं है कोई इंसाफ का वो भी मामला नहीं है ज़ालम जुल्म करता करता मर गया उसको कोई पूछने वाला नहीं मजलूम जुल्म ताता सहता, सहता ज़िंदगी गुजार गया उसका कोई हिसाब चुकाने वाला नहीं क्या ऐसी बात है अगर हम इंसानों में से कोई ऐसी चीज़ करे कि दो आदमियों को किसी चीज़ का हुक्म दे आजमाए और फिर उनके आज़माने का मामला भी उसके सामने हो कि कौन उस आजमाइश में पूरा उतरता है कौन नाकाम होता है और फिर दोनों ही को या तो इनाम दे दे और दोनों ही को या तो छोड़ दे किसी को कुछ ना पूछे हम कहेंगे कि ये तो या तो म है या फिर बेवकूफ़ अहमक़ है तो रबालमीन अकमलमीन उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि जिसने इस दुनिया को बसाया हो इम्तिहान और इबिला के लिए और उसमें म ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं और हर तरह के ऊँच नीच के मामला चल रहे हैं और फिर अल्लाह सभी को मट्टी बना के ख़त्म कर दे और क्यों कोई हिसाब किताब ना ले इससे बड़ा और क्या हो सकता है कायनत के रब के बारे में क्या ऐसा तसवर किया जा सकता है और ये भी वो चीज़ है जो कुरानी करी अल्लाह ने जगह जगह बयान की है सूरतन का मौजू भी यही है असल सूरतन में अल्लाह ने क्यामत ही को साबित किया है मरने के बाद दोबारा उठने को साबित किया है लेकिन उसको साबित करने के लिए क्या फरमाया मुलाक़ाद खल तीन इंसान अफी अहसन तकवीम पहले तो कसमें खाईं और कस्में खा के फरमाया कि हमने इंसान को बड़ी अच्छी शक्ल सूरत में ढांचे में अच्छे सांचे में उसको पैदा किया बनाया फिर फरमाया कि ये अच्छे और सब से बेहतर सूरत में साख में और सबसे बेहतर पे मुकाम में पैदा होने वाले इंसान किस तरह गिरावट में जाता है किस तरह गिरता है तो मरदद ना हो असफल साफ़िन तो अगर ये दो ग्रोह हैं इदीन आमन मामिल सवाहत एक ईमान वाले नेकअबल करने वाले अपने उस मर्तबे मुक़ाम की उस पर जारी सारी रहने वाले जो अल्लाह ने ने दिया है और दूसरे जो उस मरतब मुक़ाम से गिर कर हैवानवान जानवरों से बदतर हो जाते हैं तो अल्लाह तला आगे माता है फमायू कर मकबा अदबिदीन कि ये चीज़ देखने सुनने मालूम हो जाने के बाद भी कौन है कि जो क़्यामत को जुटलाता है कौन आपको जुटलाता है क़्यामत के बारे में अल्लाबिलहमीन क्या तब सब सबसे बेहतर फ़ैसले करने वाला नहीं है अगर अगर तुम दुनिया के हाथों काज़ियों जजों से फै... ये नहीं तवर नहीं करते कि इस तरह का, का काम करें तो क्या अल्लाह के बारे में तुमने ऐसा तौर कर लिया किम को जुर्म करते ही छोड़ दे और मजरूम को जुल्म सहते ही ऐसे ही ख़त्म कर दे और बाद उनको पूछने वाला कोई ना हो और हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में हम बात छोटे मोटे कोई सजाएँ मिलती हैं किसी गुनाह की जुर्म की लेकिन अक्सर बेशतर मुजरम जो हैं वो जुर्म करते करते ही दुनिया से चले जाते हैं उनको जराइम की सजा नहीं मिलती और मज़लूम-दुलूम मज़रूमुलते दुन दुनिया से चले जाते हैं उनके दा, उनकी दादर से नहीं होती तो क्या फिर ऐसे ही बात ख़त्म हो जाएगी तो ये अल्लाह ताला की हिमत के भी ख़िलाफ़ है अल्लाह के अदल के तकाज़ों के भी खिलाफ है और इसी तरह मरने के बाद वारा ज़िंदा होने के दलीलों में से ये भी कि इस कायन में हम जिस तरह से तब, तब्दीली और तगैर देखते देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ किसी एक हालत में बाकी नहीं है तब्दीली आ रही है ख़त्म हो रही है चीज़ शिकस्त व रेस चल रही है लोग ज़िंदा हो रहे हैं मर रहे हैं और इसी तरह से पूरी कायनात के अंदर ये तब्दीलियाँ चलती जा रही हैं तो क्या अगर ये तब्दीलियाँ कायनात के अंदर हैं तो कायनात भी क्या इसी तरह चलती रहेगी हमेशा के लिए क्या उसमें तब्दीली नहीं होगी यानी हम अगर दिन रात की तब्दीलियाँ है, देखते हैं मौसमों की तब्दीलियाँ देखते हैं इंसान की अपनी हालतों की तब्दीलियाँ हम देखते हैं कि कभी बच्चा है उसके बाद लड़कपन है जवानी है बढ़ा डेढ़पन और बुढ़ापा है और ये सारी चीज़ें हैं तो ये सारी तब्दीलियाँ तो हम तो नज़र आती हैं लेकिन इस कायनात के अंदर कोई और बड़ी ऐसे तब्दीली कोई आने वाली नहीं है यो मतबदर अर्देद वसमत अल्लाह तेस के बारे में आता है कि जिससे ज़मीन ये अपनी हालत से बदल जाएंगे तो कहने का मकसद अल्लाह ने हमारे सामने हर वक़्त हर लम्हे आने वाले यानी क्यामत क्यामत को और मरने के बाद बार उठने की ये सारी दलीलें पेश कर दी हैं साबित कर दिया है तो ये बड़ी बड़ी वो चीज़ें थीं कि जो उसको हम कह सकते हैं बल्कि अल्लाह ताला के इसमें कुदरत का हमने जो बयान किया था उसमें यह भी कि बालत किसी के जहन में आता है कि अगर अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा एक तो मट्टी जब बन चुके होंगे तो फिर ज़िंदा करेगा और ज़िंदा भी करने करना है तो क्या अल्लाह ने सारी मखलूक़ात आदम से लेकर क्यामत तक आने वाले आखिरी इंसान तक को अल्लाह ताली का सभी को कैसे ज़िंदा करेगा अल्लाह ने इसका भी रद्द कर दिया इस शुबे का इजारा भी कर दिया तो क्या फ़रमाया माखलकुम वाला बकुम अल्ला का रफ़ वाहिदा कि तुम सभी को अल्लाह का अल्लाह ताली का तुम सभी को पैदा करना और पैदा करने के बाद तुमको मरने के बाद फिर दोबारा उठाना अल्लाह का नफसे वाहिदा अल्लाह ताली के यहाँ यह सभी का पैदा करके मारना फिर दोबारा ज़िंदा करना ऐसे है जिस तरह किसी एक इंसान को करना हो हाँ अल्लाह ताली की ये आदमतें हैं ये कुदरतें हैं कि वो कायनात में जो भी कुछ कर रहा है ये नहीं कि उसको हर एक चीज़ पर अलग से कोई उसके लिए प्लान करना पड़ता है बल्कि अल्लाह ताली के यहाँ सारी मखलूक़ को ज़िंदा करना मारना उनको चलाना ऐसे ही है जिस तरह किसी एक चीज़ को चलाना हो तो ये अल्लाह इन क़ुदरतों का मालिक कैसे उससे तस्वुर किया जा किया जा सकता है कि मरने वा, मरने वालों को दोबारा जिंदा नहीं कर सकेगा जो कि हर ज़माने के काफुमशरकों का ये उनकी वहम और उनकी ग़लतफ़हमी रही है तो हाल, ये वो अहम तरीन मौजू है जिसको हमको समझने की ज़रूरत है कि इंसान किस तरह दोबारा जिंदा होंगे ख़बरों से निकलेंगे उठेंगे इस अक़ीदे को भी अपने दिल दिमाग में राशिक करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह हमने ज़िक्र किया था आख़रत के अक़ीदे के बारे में कि आख़रत का अक़ीदा ही एक वो चीज़ है कि जो इंसान की असलाह करने के लिए बहुत बड़ा उसका किरदार है कि जब इंसान के सामने ये होता है कि दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया और उससे मरना है और मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा होना है हाँ मरने के बाद ख़त्म हो जाते तो फिर तो आसान था मामला लेकिन असल ये है कि मरने के बाद फिर दोबारा ज़िंदा होना है और ज़िंदा होने के बाद भी आगे अल्लाह के पास खड़े होकर हिसाब व किताब है जजा सजा है और आगे जन्नत और जहन्नम है तो अगर इंसान इस अक़ीदे को दिल में बिठा लेता है तो यही उसकी इस्लाह के लिए काफ़ी है उसको कुफर से ईमानत लाने के लिए उसको बदकारी बेहयाही फिसको फजूल से निकाल कर हदायत निकी के रस्से पर लगाने चलाने के लिए यही अकीदा ही काफ़ी है बशर्ते कि दिल में हो जाए तो इसलिए इस चीज़ को हमको ख़ुद भी अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है और लोगों के अंदर भी इस चीज़ को लाने की उनको समझाने की ज़रूरत है कि अल्लाह अल्लाह ने हमको ऐसे ही पैदा करके छोड़ नहीं दिया बल्कि मरने मारेगा मरने के बाद हमको फिर से ज़िंदा करेगा और पूरा हिसाब तक ता, किताब लेकर उसके बाद जजा और सजा है उसके बाद सवाल नंबर है उनसठ यानी फिफ्टी नाइन के सूर कितनी मरतबा फूंका जाएगा सबसे पहले तो इसका सवाल का जवाब के सूर है क्या सूर क्या चीज़ है यहाँ पर आपके यहाँ जवाब लिखा नहीं गया तो सूर जो है वह अदीत में जिस तरह के उसकी तफसीर आती है कि सींग की तरह चीज़ है सींग जिस तरह होता है किसी जानवर का आगे से बारीक होता है पीछे से जो जानवरों की तरफ जो हिस्सा मिला होता है वहाँ से चौड़ा खुला होता है तो इस सींग नमा कोई एक चीज़ है सूर जिसको कहा जाता है और उसको फूंकने वाले कौन हैं अल्लाह के फिश्तेफील इसराफ़ील इस आलम उसको फूंकेंगे उसमें फूकेंगे तो ये सूर है जिसमें फूँका जाएगा सवाल यहाँ पर यह है कि कितनी बार फूका जाएगा कुरान करीम में दो तरह की आयात आती हैं अक्सर आयतों के अंदर तो दो ही दफ़ा का ज़िक्र आता है जिस तरह कि आपके सामने सुर ज़ुमर की याद दी गई है वनूफी खफिस सूर फ़सा का मनफातफिल्लाफ खफूर और फूका गया सूर में फ़सा का मनफात मनफिला तो जो भी ज़मीन व आसमान में है सभी बेहोश होकर मर जाएंगे क्योंकि साग का लफ्ज सिर्फ बेहोशी नहीं बल्कि मरना भी है इल्ला मन मनशा अल्लाह मगर जिसको अल्लाह तला चाहे यानी उस पर यह बेहोशी तारी नहीं होगी ये पहले से मौत उस पर तारी थी तो मनुफ़ी खफी ही उखरा फिर उसमें दोबारा फूका जाएगा फ़ाइदा मुक़्यामून बस जब वो खड़े देख रहे होंगे तो इस एक ही आयत में लन दोनों दर दोनों दफ़ा सूर फूँकने का बयान कर दिया कि पहला सूर फूँका जाएगा कि जिससे हर कायनात की हर चीज़ हलाक होगी मौत आ जाएगी और ख़त्म हो जाएगी सवाई जिसको अल्लाह ताला चाहे और फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा जिससे क्या है कि फैदा क़िया पर जब वो खड़े देख रहे होंगे जिसमें इस बात का बयान है कि दूसरा सूर जो है वो ज़िंदा करने का सूर है और इसलिए बाद रवायात में ये भी है बाद का कहना है कि सूर के सामने अल्लाह ताला सभी रूहों को जमा कर देगा और जब सूर में फूका जाएगा तो रूह ज़मीन पर जहाँ जिस जिस्म की रूह होगी उस अपने जिस जिस्म के अंदर जा दाखिल होगी यानी जिस जिस्म जिस के जिस इंसान की जो जो रूह है उसी इंसान के जिस्म के अंदर जो है वो दूसरे सूर फूका जाने पर दाखिल होगी तो ये इस आयात में दो सुरों का ज़िक्र है और दूसरी बात आयात में ज़िक्र आता है साक का या एक फ़जा का लफज आता है कि नफखातलफा और दूसरा नफातुलसाक जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और तीसरा नफ़ातुलबा नफ़ातुलबा यानी ऐसा सूर के जिसके फूक जाने से एक दहशत तारी होगी फजा और ऐसा सूर जिसके फूँ जाने से बेहोशी और हलाकत तारी होगी और फिर ऐसा सूर के जिसके फूक जाने से जो है मुर्दा ज़िंदा हो जाएंगे मरे हुए लोग तो फिर से ज़िंदा हो जाएंगे तो इस आयत के जाहिर से मालूम यह होता है कि सूर तीन हैं एक वो जिससे दहशत तारी होगी दूसरा जिससे लोगों पर बेहोशी और मौत तारी होगी और तीसरा जिससे लोग ज़िंदा होंगे लेकिन हकीकत में जो सही का कौल है वो ये है कि सूर दो है तीन नहीं है पहला सूर ही वो है कि जिसके फूँ जाने से लोगों पर दहशत खौफ भी तारी होगा और उसके साथ ही बेहोश हो जाएंगे और फिर जो है यानी क़्यामत के दिन यानी कि फिर दोबारा सूर जो फूका जाएगा उससे लोग ज़िंदा होंगे तो जो सही है वो ये है कि सूर दो ही हैं पहले सूर से ही दहशत भी तारी होगी खौफ भी तारी होगा और हलाकत भी होगी और दूसरे सूर से लोग फिर ज़िंदा होंगे तो ये है सूर के हवाले से और जिस तरह के कुरान करीम में इसका कि एक जगहों पर ज़िक्र है ऐसे ही अहादीत में भी रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने बयान फमाया है यानी कि एक अहादीत भी इसी ज़िम्मन में आती हैं सूर के बारे में कसूर का फूँका जाना उसी जमन में रसूल करीम सल वाते हैं कई अन मैं कैसे दुनिया के लज्तें हासिल करूँ कैसे दुनिया के लज्तों में पढ़ूँ जबकि हाल क्या है हाल ये है कि सूर फूकने वाला फिश्ता इसरा कदिलतमत सूर के उसने सूर को अपने मुंह के साथ लगा रखा है कि जिस रिश्ते को अल्लाह ने हुक्म दिया है सूर फूंकने का इसराफी वो सूर को अपने मुंह के साथ लगाए अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार कर रहा है कि अल्लाह की तरफ़ से कब हुक्म हो और मैं उसमें फूंक दूं दूँ तो इस हदीस में अल्लाह के नबीसम को वादे तौर पर बयान है कि सूर मौजूद है और फिश्ते के हाथ में है और वो इंतज़ार में खड़ा है अल्लाह की तरफ से कि हुक्म हो और उसको फूंक दे और ये भी पता चला कि सुर पहले सूर से क्या होगा कि दहशत खौफ और बेहोशी तारी होगी कि जिस बेहोशी के साथ ही सभी मखलूक़ात हलाक और ख़त्म हो जाएंगी और फिर उसके बाद दूसरा सूर फूंका जाएगा जिससे लोग ज़िंदा होंगे अब ये कि दूसरे सूर और पहले सूर में कितना फ़ासला होगा कितना टाइम होगा उस बारे में कोई हदीस में सराहत नहीं है लेकिन एक हदीस में चालीस का ज़िक्र आता है कि चालीस के बाद दूसरा सूर जो है चालीस के बाद फूंका जाएगा लेकिन रवायत करने वाले रावी इस चीज़ को बयान नहीं कर सके कि वो चालीस क्या है क्या वो चालीस दिन हैं चालीस हफ़्ते हैं चालीस महीने चालीस साल हैं और सबसे बड़ी जो मकदार साल की है तो वो चालिश क्या है चालीस साल हैं और इसलिए बाजर मैंने कहा है कि यहाँ पर ज़्यादा करीबी ही मालूम होता है कि वो चालीस साल हैं कैसे पहला सूर फूका जाने में और दूसरा सूर फूका जाने चालीस साल का अरसा और दूसरा सूर के जाने से पहले अल्लाह ताला बारिश बरसाएगा कि जिस बारिश से जिस तरह के नबाता उगती हैं ऐसे ही लोग भी उगेंगे अपनी कब्रों में पड़े हुए लोग जो मट्टी बन चुके होंगे हजारों सालों से तो वो भी ऐसे उगेंगे जिस तरह कोई पौधा उगता है तो हम जानते हैं पौधों पौधों के लिए तो बीज चाहिए कि जिस बीज से वो उगते हैं तो क्या इंसान के लिए अल्लाह को बीज बोएगा जिससे उगेगा हाँ इंसान का बीज उसकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे की हड्डी जो है ये है जो उसका बीज है और क्यामत के रोज़ अल्लाह ताला इसी हड्डी से ही लोगों को फिर से दोबारा उनको यानी कि ज़िंदा करेगा और पूरे इंसान बन के अल्लाह के सामने पेश होंगे तो ये है सूर के हवाले से सूर का फूका जाना और ये भी क्यामत पर आखिरत पर ईमान के अहम तरीन यानी के चीज़ों में से अहम तीन अज्जा में से है किस चीज़ का भी इनकार कर देना जो कुरान सुनने से दो टोक पर साबित हो ऐसी चीज़ का इनकार भी इंसान को कुफर तक पहुंचा सकता है तो ये थे आज के हमारे दो सवाल एक तो कब्रों से उठाए जाने की दलील और उसका इनकार करने वाले का हुक्म कब्रों से उठाए जाने वाले के बारे में हम कहा था कि इसका माना बात कहते हैं और उसकी कुरानी करीब में दसियों दलीलें हैं मुख्तफ अंदाज से जो अल्लाह ने बयान की हैं और उनका उसका इनकार करने वाला कुरान को झुठला रहा है अल्लाह के नबी को जुटला रहा है अल्लाह को झुठला रहा है तो फिर क्या होगा वो काफिर होगा और इसकी हमने दलीलें दी कि मरने के बाद ना होने की क्या क्या दलीलें हैं किस किस अंदाज से दलीलें हैं उसके बाद सवाल नंबर उनसठ यानी फिफ्टी नाइन सुर के बारे में कि सूर कितनी बार फूँका जाएगा तो हमने बताया कि सूर क्या चीज़ है उसको उसमें फूँकने वाले कौन हैं इसराफ़ी अल्लाह के फिंचते हैं तो ये ये है सूर और कितनी बार फूका जाएगा क़ुरान की अहादी दलील दराय से और अहादी से ये पता चलता है कि दो बार फूका जाएगा के पहला सूल फू जाने से यानी कि मखलूक के हलाकते होगी ख़त्म होंगे और दूसरा फूसूल फूक जाने से लोग जिंदा किया जाएंगे बारखलाफिक हूँ मज़ात तो मुलाखेत है उसको मौत ना आ हमारे यहाँ बाद तस्वुरा गलत पाए जाते हैं तोहमात पाए जाते हैं सुनी सुनाई झूठी बातें माशरे के अंदर राइज होती हैं उसी में से जो इस एक सवाल किया गया है अभी क्या जो आदमी खुदकुशी कर लेता है अपने आप को खुद मार लेता है तो क्या उसकी रूह जो है वो भटकती रहती है ज़मीन पर हद तक कि अपनी हकीकी मौत मरने तक वो भटकती है तो हम कहेंगे कि ये कहाँ पर आया है किसने आपको बताया है कि ये काम होता है क्योंकि मरने के बाद इंसान की रूह के साथ क्या होता है ये आलम ग़ैब है ये गैबी चीज़ है कि जो इंसान के इल्म से बालतर है हाँ इसका इलम हमको अगर मिल सकता है तो या तो अल्लाह ताली की तरफ से या अल्लाह के नबीम की तरफ से तो ना तो अल्लाह कहीं कुरान करी में हमको बताया है कि मरने वाले ख़ुदकुशी करने वाले की रूह भटकती है हती कि जब तो उसकी हकीक़ी बहुत नहीं आती और ना ही किसी हदीफ़ में हमें कुछ चीज़ मिलती है ऐसी इसलिए असल तो अल्लाह के यहाँ नदाम जो है वो ये है कि आदमी जब मरता है तो उसकी रूह अगर नेक है तो नेकों के साथ मिला दी जाती है अगर बद है तो उसे जी बदों के साथ मिला दी जाती है और अल्लाह इन रूहों को जन्नत में छोड़ता है जन्नत के बाग़ों से फल खाते हैं वहाँ के चश्मों से पानी पीते हैं और अल्लाह के निपट पाते हैं तो ये है रूह के बारे में अल्लाह ताला के यहाँ जो महफात हो जाता है वो अल्लाह के यहाँ उसकी रूह इनके महफूज जगह पर पहुँच जाती है काफ़र हो या मोमन हो कि दुनिया भटकती रहती है ये दुनिया भटकने का सारा फलसफा ये सिर्फ़ मन घर झूठ है और उसी झूठ में हमारे मुलाओं ने जो मज़ीद इस तरह के इनके हकायतें और इस तरह की जो है वो वाहयात बातें बनाई घड़ी हुई हैं और उसी हवाले से पंद्रह शाबान की रात कि जिसको ये बित्ती बड़े पुरो जो ज़ोर व शोर से मनाते हैं तो मुलाओं ने उसने अपने कारोबार जो शुरू किया हुआ वो ये भी कि इस रात में रूहें जो हैं वो आती हैं और अपने पसंदीदा खाने खाती हैं और रूह ने कहाँ से आना है किस तरह आना है वो तो नामकर है कि लेकिन मुल्ला का खाना तैयार हो जाता है तो खैर बात कर रहे थे कि सारे खाने पीने के मुलाओं के ढोंगरे चाये हुए हैं बालूकात तरह की झूठी बातें लोगों को सुनाकर कर लोगों को गुमराह भी करते हैं उनका दीन भी बर्बाद करते हैं और साथ उनके माल भी लूटते और हथयाते हैं वरना यानी कि मरने के बाद रूह भटकती रहती है कुछ तरह की चीज़ें कोई नहीं है रूह जो है अल्लाह के यहाँ पहुँचती है अगर नेक है तो नेकों के साथ दाखिल हो जाती है और बद है तो बदों के पास उसको पहुँचा दिया जाता है सि में फिर का लफज ही जेल है कि जहाँ से कोई निकल ना सकता हो चे जाए कि वो ज़मीन पर भटकें बार खलाफिक खैर आगे। 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 सलाम, को करने के बारे में अगर कोई वाक़ हो तो बता दें देखिए वाक़ात की हमको ज़रूरत नहीं जबकि कुरान करीम में अल्लाह ने इस चीज़ को बयान कर दिया है कुरान करीम में दो जगहों पर सूरतान में और सूरतम में अल्लाह ने दो टोक और वाज अनफाज से बयान किया है ईसा के हवाले से कि सूरतः आलमाय के अल्लाह के, अल्ला के हुम तो हिल अल्लाह के अल्ला केक्म से तो मर्दों को जिंदा करता था वाह म और दूसरे अपने सूरत मायदा में तो हिल म तब इज़नी कि मेरे हुक्म से बजाते खुद अपनी तरह मनसूख करते हुए तोल्ला के फ़रमान ही हमारे लिए काफ़ी है इस बात को जानने के लिए इस बात पर यकीन करने के लिए कि वाकई ही इलाम उर्दों को ज़िंदा करते थे बाकी जहाँ तक वाक़ का तल्प वाक़ मौजूद हैं लेकिन किसी कुरान करीम की आयत में नहीं है और ना ही किसी सही हदीस से हमारे इलम में है कि ईसा सलाम के ने कि जो जिन मुर्दों को ज़िंदा कर किया था किसी हदीस में उसका को वाक़ा ख़ास तौर पर आता हो लेकिन इसराइली रवायतें ज़रूर हैं इसराइली रवायतों से इन तौर इंजील की उदो न स बातें और उनकी बातों पर हमें यानी कि यही हुक्म दिया गया है कि उनकी बातों पर यकीन न किया जाए क्योंकि असल ये है कि उनकी बातें झूठी हैं मन हैं तो इसलिए हमें उनके बातों को देख देखने की या उस पर यकीन करने की ज़रूरत नहीं लेकिन हमें हमारे एक कुरान ही काफ़ी है कि जिसमें अल्लाह अल्लाशी का बयान कर दिया है कि इसम मुर्दों को ज़िंदा करते थे अल्लाह के हुक्म से बार हाफिक